नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार समर किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक वह है आपका बिहार का जनगणना पढ़ेंगे 2011, जो भी इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया गया है तो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपका नया टॉपिक धर्म आधारित जनगणना। तो धर्म आधारित जनगणना 2011 के हिसाब से जो भी आपका इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया गया उसको पढ़ते हैं। तो देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट बॉक्स जहाँ पर दिया उसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो हम लोग इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बॉक्स मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपका इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, इसको एक प्लेलिस्ट में हम लोग बना रहे हैं। तो धर्म आधारित जनसंख्या, तो हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो 82.69% है बिहार में, मुस्लिम का 16.87% है, ईसाई लोग का 0.12% है, सिख का आपका 0.02% है, बौद्ध का 0.02% है, आपका जैन का 0.02% है और अन्य लोगों का 0.01% है, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं 82.69%, मुस्लिम का 16.87%, ईसाई लोग 0.12%, सिख लोग आपका सिख बौद्ध और जैन, तो सिख बौद्ध और जैन आपका 0.02% है बिहार में, और आपका जो है अन्य लोग 0.01% है, ठीक है। लिंगानुपात के हिसाब से हिंदू लोग का लिंगानुपात 915 है, मुस्लिम लोग का 943 है, ईसाई का 974 है और आपका बुद्ध का सिख का 879 है, बौद्ध का 841 है, जैन का 904 है, आपका अन्य का 940 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका तो लिंगानुपात बिहार में ईसाई लोग का 974 है और सबसे कम आपका जैन लोग का 904 है, नहीं सबसे कम आपका जो है बौद्ध लोग का 841 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका ईसाई लोग का है 974 और बौद्ध लोग का सबसे कम 841 है लिंगानुपात बिहार में। साक्षरता लिटरेसी के हिसाब से हिंदुओं लोग का लिटरेसी यहाँ पर 47.9% है, मुस्लिम का 42% है, ईसाई लोग का 71.1% है, सिख लोगों का 79.8% है, बौद्ध लोगों का 59% है और जैन लोगों का 93.3% है और अन्य लोग का 32% है। सबसे ज्यादा जो है साक्षरता बिहार में 93.3% आपका जैन लोगों का है, उसके बाद सबसे कम आपका मुस्लिम का है, ऐसे अन्य भी आएंगे लेकिन मुस्लिम का सबसे कम है 42% है, ठीक है। तो इस पर हम देखा, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका हिंदुओं में लिंगानुपात कितना है। तो हिंदुओं में लिंगानुपात 915 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, तो हिंदुओं में लिंगानुपात कितना है 915 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मुसलमानों में लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष और आपका ईसाइयों में लिंगानुपात 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, सिखों में लिंगानुपात 889 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, बौद्धों में लिंगानुपात 841 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, जैनों में लिंगानुपात 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, हिंदुओं में साक्षरता दर 47.9% है, मुसलमानों में साक्षरता दर 42% है, ईसाइयों में साक्षरता दर 71.1% है, सिखों में साक्षरता दर 79.8% है, ठीक है। और बौद्धों में साक्षरता दर 59% है और जैनों में साक्षरता दर 93.3% है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जाति आधारित जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्य। तो जाति आधारित जनगणना 2011 का प्रमुख तथ्य क्या है, तो जाति कास्ट, तो आपका जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी आपका पॉपुलेशन परसेंटेज में कितना है, तो ओबीसी में आपका 51% है टोटल, जिसमें यादव आपका 14.4% है, कुशवाहा या कोइरी 6.4% है और कुर्मी आपका 4% है, ठीक है। तो आपका यादव 14.4% है, कुशवाहा कोइरी 6.4% है और कुर्मी आपका 4% है, ठीक है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी आपका जो है आपका इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास आपका जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास 26% है, जिसमें हिंदू आपका 18% है और उसमें मुसलमान भी 8% है, ठीक है। और आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कुछ मुस्लिम जातियां भी है, ठीक है। महादलित और प्लस दलित एससी, तो महादलित और आपका दलित एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट आपका 16% है, जिसमें दुसाहत के साथ 4% और मुसहर 2.8% है, तो 16% आपका महादलित और दलित हो गए, ठीक है 16% और दुसाहत के साथ 4% और आपका मुसहर 2.8% इसमें है। नेक्स्ट आपका मुस्लिम 16.9% है, तो मुस्लिम लोग आपका 16.9% है, स्वर्ण जातियां आपका जो है 17% है, तो स्वर्ण जाति आपका जो है 17% है, जिसमें आपका 17% में भूमिहार आपका 4.7% है, ब्राह्मण 5.7% है, राजपूत 5.2% है और आपका जो है
कास्ट 1.5% है जो कि फॉरवर्ड कास्ट में आता है। तो स्वर्ण जातियां 17%, तो भूमिहार आपका 4.7%, ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2% और कास्ट आपका 1.5% है। नेक्स्ट आपका है आदिवासी समाज जो है आपका बिहार में 1.3% है, और अन्य जाति आदर्श जो है 0.4% है, जिसमें आपका ईसाई सिख व जैन को जोड़कर आता है 0.4%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका जो है पिछावर ओबीसी में 51% है, ज्यादा 40.4%, कुशवाहा कुर्मी आपका जो है कुशवाहा कोयरी 6.4%, कुर्मी 4%, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी 26%, हिंदू आपस में 18% है और मुस्लिम 8% है। ठीक है, बहादलित और दलित में आपका 16% है, मुस्लिम 16.9%, स्वर्ण जातियां 17%, आदिवासी 1.3% और अन्य जातियां 0.4% है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।